नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर एडू क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की यह वीडियो मैंने बनाई है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने जाते हैं, कुछ जो हैं पहले प्रयास कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि बिना कोचिंग के पहले प्रयास में नेट परीक्षा कैसे पास करें। संभव है किया है लोगों ने, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊँगी। आप कहीं से भी हैं, चाहे आप गांव के रहने वाले हैं, चाहे आप शहर के रहने वाले हैं, ठीक है, चाहे आपके पास कोई गाइड करने वाला है, चाहे आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं। क्यों? अब आप कहेंगे मैम ऐसा कैसे? क्योंकि आपने जो यूजी और पीजी किया है ना, उसमें इस नेट जीआरएफ से ज़्यादा पढ़ा है, इसलिए बोल रही हूँ कि आप आसानी से नेट जीआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आपने यूजी और पीजी में अच्छे से पढ़ाई की है। और नहीं की है फिर भी 6 महीने का टारगेट बनाइए और इस 6 महीने में 5 महीने आप उन सारी चीज़ों को पढ़िए जो आपके सिलेबस में दिया है, और 1 महीना दीजिए अपनी प्रैक्टिस को। ये जो प्रयास लिखा है ना, हाई चीज़ बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो आप पहले प्रयास में सफल हो जाएं तो आपको इसके लिए बहुत बार प्रयास करना होगा, मतलब प्रैक्टिस करना हो। अब यहाँ आप ये गिनती मत करिए कि हमने एक बार प्रैक्टिस कर लिया है पूरा, 2 बार कर लिया है, 3 बार कर लिया। आप अनगिनत मतलब 1 महीने में चाहो तो लाखों क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, बेहतरीन रहेगा। क्योंकि फिर आपको ये 3 से 4 अटेम्प्ट नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, वो 3 से 4 प्रयास वो नहीं करने पड़ेंगे, पहले प्रयास में ही आप सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो एक ऐसे ईमानदार टीचर को फॉलो करिए जो आपको तैयारी करा रहा है, जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लग सकता है इस परीक्षा के दौरान, तो सबसे पहली बात तो है कि मोटिवेट रहें, अपने कार्य के प्रति जो है अग्रसर रहें, ईमानदार रहें, ठीक है। दूसरी बात, जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़िए। और सबसे लास्ट बात है कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपका सब्जेक्ट और जो आपका फर्स्ट पेपर है, कुल मिला के 150 प्रश्न होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। और 150 के 300 प्रश्न 300 अंक होते हैं, 300 अंक में अगर आप 200 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए, ठीक है। मतलब अगर आप 100 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप कहेंगे मैडम इतना कैसे कर पाएंगे, तो फिर मैं एक बार दोहराना चाहूँगी कि अगर आप 6 से 7 या 2 से 3 प्रयास नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक ही अटेम्प्ट में, एक ही प्रयास में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कहा 5 महीने चाहे कुछ भी पढ़िए, लेकिन 1 महीना आपको प्रैक्टिस करना होगा। टाइम आपको 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे, अगर आप चाहते हैं कि हमें नेक्स्ट प्रयास ना करना पड़े तो आप 7 से 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अगला प्रयास ना करना पड़े, ठीक है। तो जितना अच्छा पढ़ें, जितना बेहतर पढ़ें, एक प्रयास में पढ़ लीजिए। ये समझ लीजिए कि ये पहला प्रयास ही लास्ट प्रयास होना चाहिए हमारा। तो उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, चाहे हमें खुद को एकदम से हर चीज़ से दूर रखना पड़े, चाहे आप बाहर जाना, घूमना फिरना, लोगों से मिलना, सारा कुछ बंद करके सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, अपने घर में रहिए। हाँ, मोटिवेशन के लिए अगर आप किसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, कोई फिल्म देखना है, कोई सॉन्ग सुनना है, सुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पूरा मन अपना पढ़ाई पर लगाना पड़ेगा यदि आपके लिए जो है नेट जीआरएफ महत्व रखता है तो, ठीक है। तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूँ, मैं यहाँ पर आप सभी को 2019 से 2018 दिसंबर में मैंने अपना पहला प्रयास किया था नेट जीआरएफ के लिए, और जो मेरा सफल रहा था, 2018 में ही मैंने पीजी किया था अपना। तो उसी समय मैंने नेट एग्ज़ाम दिया और मेरा क्वालिफाई हुआ, मैंने खुद सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की थी, ठीक है। तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ओके। लेकिन हाँ, प्रयास बहुत, मतलब इस तरीके से कोई भी कुछ भी है उसको इस तरीके से पढ़ो, ये एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। तो कट ऑफ तो आपको पता है, दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सफलता हासिल करोगे। मैं यहाँ पे आप सभी के लिए सेकेंड पेपर हिंदी साहित्य की क्लास ला रही हूँ, रात्रि 9 बजे से 10 बजे के बीच में, तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। और फर्स्ट पेपर की क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसको आप फॉलो करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर डेली हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए है, वो कोई शेयर करते हैं, तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए फ्री टेलीग्राम।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर लगभग 1000 लोग जुड़े हुए हैं। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।